प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया राय खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तानी मीडिया को, जिसमें वो चर्चा करेंगी कि क्यों मुस्लिम देश, खासकर अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, वो लगातार भारत को इज्जत भी दे रहे हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, वहीं पाकिस्तान को ये देश ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनको सिर्फ मिल रही है लात। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और आज एक बहुत अहम टॉपिक पे इनसे हम बात करने जा रहे हैं, तो पहले मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? वंदे मातरम, भारत माता की जय, और गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं और वालेकुम अस्सलाम। आज फिर एक बहुत अहम टॉपिक है और पाकिस्तानी और इंडियन जो मुसलमान उलमाए कराम है उनके बारे में ये बात करनी है कि जिस तरीके से जो यूएई है या सऊदी अरब है, हमने देखा कि अभी आज जो है वो खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो है वो भारत के दौरे पर है, और आज वो बहुत अहम मीटिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और जो कैबिनेट और दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ। तो पाकिस्तान के जो उलमाए कराम है या इंडिया के उलमाए कराम है, वो ये कहते हैं कि जी जो ये सऊदी अरब है या यूएई है, ये एक इस्लामिक उम्मा है और इसके तल्लुकात जो है वो इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान है उसके साथ अच्छे होने चाहिए, ना कि भारत, जिसको वो ये समझते हैं कि ये गैर इस्लामिक कंट्री है, गैर मुस्लिम मुल्क है। तो हमने देखा पीछे के जो मोहम्मद बिन जैद आए थे, उन्होंने मोदी जी को गले लगा कर बोला कि मोदी जी मेरे भाई हैं। ऐसा मंजर हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि वो पाकिस्तान आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गले लगाया और बोला कि ये मेरे जो भाई हैं। ये वजह क्या है? यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये हनूद और यहूद की साजिश है, यानी हनूद मतलब इंडिया और यहूद मतलब इसराइल, यानी कि इंडिया और इसराइल मिलके ये साजिश कर रहे हैं। और इससे ज़रा पीछे चले जाएं कि जब जो मंदिर वहाँ पर बनाए गए यूएई के अंदर, और उसके बाद में जब वहाँ पर सैलाब आया, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब आया उनके ऊपर। और अभी हमने देखा मदीना मुनव्वरा में बहुत बारिश हुई, तो मेरी एक बात हो रही थी तो वो ये कह रहे कि इनके साथ होना चाहिए, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ और ये सऊदी लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर उन्होंने स्मृति ईरानी जी वहाँ पर आई थी और वो इस तरह ये कह रहे कि ये इस तरह के लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये एक मैं सोच आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो एक हमारे जुमे के खुतबों के अंदर भी इस चीज़ को बताया जाता है, हमारे उलमाए कराम भी ये बताते हैं कि जी ये देखें जी कि मुसलमान मुल्क हैं लेकिन वो मुसलमानों के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं है, वो काफरों के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, और ये क्यामत की निशानी है और ये अल्लाह का अजाब इन पे नाज़िल होगा। इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहेंगी आपके ये जो सोच एक पाकिस्तानी मौलवियों की, उलमाए कराम की है और पाकिस्तानी लोग भी यही यहाँ पर कहते हैं? मुजफ्फर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत देश में नहीं, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग शिक्षित होते हैं और अक्ल और समझ वाले होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो सुपरस्टिशियस और इल्यूजन की जिंदगी नहीं जीना चाहते। हमें पता होता है कि हमको सुबह उठना है, हमें रेडी होना है और हमें अपने काम पर निकलना है, और फिर रात में थके हारे जाना है और खाना खाना है, थोड़ा वक्त अपने घर के साथ बिताना है और उसके बाद फिर सोना है। तो हमारी जो लग्जेरियस लाइफ है, हमारे घर पे जो चीजें हैं, जो हम अपने घर वाले को फराहम करके दे रहे हैं, वो आसमान से मनसलवा नहीं टपक रहा है और ना टपकने वाला है। ये हमने पढ़ा है मनसलवा के बारे में, ये हमने कभी देखा नहीं है। हमें अपने अपने अखराजात के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए खट करके कमाना पड़ता है। तो ये जो सुपरस्टिशियस बातें हैं
कि देखो वहां पर बारिश हो गई, फ्लड आ गया तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया, देखो वहां पर देखो जलजला आ गया तो उसके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि यूपी बरेली में मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने अपनी बहू का बलात्कार करने की कोशिश की और अभी वो जेल की हिरासत में है। और पता नहीं क्योंकि नया कानून हमारे भारत का है वो इतना सख्त है कि रेप और रेप जैसी जुड़ी हुई घटनाओं में सीधा फांसी की सजा देने को तैयार हो चुका है हमारा भारत का नया कानून। तो अब ये किसका कहर है? ये भी तो अल्लाह का कहर है ना कि आपको फांसी की सजा मिलने वाली है और आप पूरी पूरे भारत में आप बदनाम हो रहे हो और आपने नाम क्या रखा हुआ है अपना, मोहम्मद अनीस अहमद। आपने क्या किया? इतने खूबसूरत पाक दामन नाम का आपने क्या मजाक बनाया? तो ये भी तो अल्लाह का कहर है। अब आप इस पूरी दुनिया में मुसलमानों को देखिएगा, वो गली कूचों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ज्यादातर पसमानदा मुसलमान, जैसे हमारे भारत में 22 करोड़ मुसलमान से ऊपर, और उन्होंने अपना अपना नेता मुसलमान चुन करके रखा है और पिछले 77-78 साल से वो मुसलमान नेताओं को ही और मुसलमानों के बातों को जो रखता है उसी नेताओं के पीछे पीछे वो दौड़ते हैं। तो आखिर इस देश में पसमानदा मुसलमान अब तक क्यों है? नेहरू जी ने पसमानदा मुसलमानों को अरबोपति खरबोपति क्यों नहीं बना दिया? उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी ने पसमानदा मुसलमानों को अंबानी के लेवल में क्यों नहीं बना दिया? उसके बाद फिर पसमानदा मुसलमानों को राजीव गांधी ने क्यों नहीं टाटा और बिरला के लेवल में बना दिया? उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं पसमानदा मुसलमानों को बहुत शिक्षित बना दिया? बना देना चाहिए था ना, क्योंकि सत्ता जो थी वो तो हमारे भारत में 53-54 साल तो कांग्रेसियों के हाथ में थी और कांग्रेस ही से भारत के मुसलमान बहुत खुश रहते हैं। अब आपके पाकिस्तान में आते हैं, आपके पाकिस्तान में तो हमेशा से मुसलमानों के हाथ में ही सत्ता रही है, कभी 10 सेकंड के लिए भी हिंदुओं के हाथ में सत्ता नहीं गई है। तो आपके आपको जो खाने खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके यहाँ रोते हैं लोग, बिलखते हैं, वो कहते हैं कई औरतों की मैं न्यूज सुनती हूँ तो वो कहती हैं कि हम खिलाएंगे क्या और इसको पहनाएंगे क्या? तो ये किस अल्लाह का कहर है? और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है जो अल्लाह नाराज का नाराज ही है और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने बना रहा है अल्लाह? तो ये कौन सा अल्लाह का कहर है? अब देखिए, और हर साल सैलाब भी आता है हमारे यहाँ पे, हर साल प्रोवांस में आपके यहाँ 1964 के बाद ऐसा सैलाब आया है, आता रहा है हर साल, लेकिन इस बार ऐसा आया है जो आपकी सरकार भी संभाल नहीं पा रही। अब देखिए अल्लाह का कहर नंबर 2 पाकिस्तान के ऊपर। अब मैं आपको 1, 2, 3 करके अल्लाह का कहर नंबर गिनाऊंगी। अल्लाह का कहर नंबर 2, मात्र 11 घंटा पहले का ये रिपोर्ट है कि इराक ने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को बजाफ्ते अपने डिप्लोमेट और इराकी ऑफिशियल के हाथ से एक पैगाम भेजा है। पैगाम ये भेजा है कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स टूरिस्ट वीजा लेकर के इराक में एंटर करते हैं और उसके बाद फिर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगने का कारोबार इन्होंने खोल करके रखा है। इराक अथॉरिटीज ने वॉर्न किया है, इराक अथॉरिटीज फिर से सुनिएगा, Iraq authorities have warned that there is a possibility of Pakistan's citizen being blacklisted. UAE ने आपको blacklist किया, ईरान ने आपको blacklist किया, इराक भी अब आपको blacklist करने के लिए 11 घंटा पहले उन्होंने अपने official को, अपने diplomat को भेज करके United Nation को और International Court को कहा है कि this is a very shocking news जो आपको शॉक लगेगा, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIO ऑफ पाकिस्तान को हम इनवाइट करते हैं, या इराक ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपने पाकिस्तानी मुसलमानों की के तरीके और क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखें और उनको यहां से ले करके जाएं, नहीं तो हम घसीट करके यहां से फेंक देंगे उनको।
कितनी शर्म और बदनामी वाली बात है कि कोई मुल्क नहीं छोड़ा हमने, सऊदी हमने हमें धक्के मार के निकाल रहा है, यूएई हमें धक्के मार के निकाला है, ईरान ने निकाला है, अब ये इराक भी निकाल रहा है। और मैं ये हवाबाजी नहीं कर रही, मैं इस वर्ल्ड के सबसे बड़े डिजिटल प्रिंट न्यूज चैनल से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। और बजाबते इराक ने कहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो इराक आए और अपने लोगों। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई बल्कि पाकिस्तान की पूरी तरह से कपड़े उतार के रख दिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।